नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई औषधि के बारे में जानकारी देंगे। इस औषधि का नाम है सज्जीखार। आयुर्वेद में सज्जीखार से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं बहुत सारे रोगों को ठीक करने के लिए। इसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, हम पहले इसकी पहचान कराएंगे आपको, फिर बताएंगे कि कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप ये सज्जीखार देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के सिंध में और भारत के कच्छ में पैदा होता है। इसका रंग धुंधला होता है, यह जमीन में अपने आप ही पैदा होता है। सज्जी खार को पापड़ खार भी कहते हैं। सेम और दालों को पकाने के लिए इसमें सज्जी खार का इस्तेमाल किया जाता है। दही बड़े, पकौड़ों आदि को मुलायम बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। सज्जी खार को मसाले का स्थान मिला हुआ है। इसके अलावा बच्चों के रोगों के लिए औषधि बनाई जाती है। सज्जी खार भारी और ठंडी होती है। दोस्तों, हमने आपको सज्जी खार के बारे में जानकारी दी है। अब इसे कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए, कौन से रोगों में, ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पहला उपाय उनके लिए जिनके दांतों में अक्सर दर्द की समस्या बनी रहती है, आप इसके लिए सज्जी खार लीजिए 5 ग्राम और 5 ग्राम काली मिर्च लीजिए। दोनों को अच्छी तरह से पीस लीजिए। इस चूर्ण को दांतों में अच्छी तरह से 3 बार रगड़िए दिन में। दांतों में किसी भी प्रकार से दर्द रहता है तो वे ठीक हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें कब्ज की परेशानी है, आप इसके लिए सज्जी खार लीजिए 3 ग्राम की मात्रा में, 3 ग्राम की मात्रा में गुड़ ले लीजिए। दोनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और चने के बराबर की, चना होता है छोटा, उसके बराबर आकार की आप गोलियां बना लें सुबह को खाली पेट। आपको रोज ये 3 दिन तक गोली लेनी है। अगर कब्ज की किसी भी तरह से आपको परेशानी है तो वह ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जिनके हाथ पैरों में मोच आ जाती है, ऐठन आ जाती है, चोट लगने की वजह से कोई परेशानी हो जाती है, आप इसके लिए सज्जी खार लीजिए। हल्दी में उसके अच्छी तरह से पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को उस जगह लगाएं जहां आपको परेशानी है। इससे ऐठन, मोच या चोट लगने की वजह से कोई और परेशानी है तो वह ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिनके गुर्दे में, अमाशय में पथरी है, आप इसके लिए 6 ग्राम सज्जी खार लीजिए और गाय की छाय होनी चाहिए उसमें अच्छी तरह से मिलाकर उसे आप दिन में 2 बार सेवन करिए। पथरी गलकर बाहर निकल जाएगी और गुर्दे और अमाशय स्वस्थ हो जाएंगे। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें अक्सर गैस की परेशानी रहती है, शरीर में गैस का गोला बन जाता है, पेट फूला हुआ रहता है, आप इसके लिए सज्जी खार लीजिए और उसे अच्छी तरह से गुड़ में मिला लीजिए। चने के बराबर की उसकी गोलियाँ बना लें आप। दिन में 3 बार आप इसका सेवन करें। पेट में ये हवा भर जाती है, यह पूरी तरह से ठीक हो जाती है और गैस बनने की समस्या दूर हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिनके स्तनों में गांठे पड़ जाती हैं, आप इसके लिए सज्जी खार, सुहागे की खील और यवासार को बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह से पीस लीजिए और 1-1 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार इसका सेवन करिए। स्तन में पड़ी हुई गांठें ठीक हो जाती हैं और भी अन्य प्रकार से कोई गांठ हो तो वह भी ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता है या पेशाब बंद हो गया है, आप इसके लिए 4 ग्राम सज्जी खार को छाछ में अच्छी तरह से पीस लीजिए। पीसने के बाद उसका आप दिन में 2 बार सेवन करिए। पेशाब खुलकर आता है और रुक रुक कर आता है तो वह भी ठीक हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए जिनके शरीर पर मस्से बन गए हैं या तिल अधिक मात्रा में है, आप इसके लिए सज्जी खार को पत्थर पर पानी के साथ अच्छी तरह से घिसिए, उसका पेस्ट बन जाए, जैसे चंदन हो जाता है इस तरह से हो जाना चाहिए वो, और उस पेस्ट को आप मस्सों पे लगाइए, तिल पे लगाइए। 2 हफ्ते के अंदर मस्से कटकर गिर जाते हैं और तिल हैं तो वे भी ठीक हो जाते हैं। अगला उपाय उनके लिए जो अग्नि के द्वारा जल जाते हैं, आप इसके लिए सज्जी खार लीजिए और उसमें 10 गुना पानी मिला लीजिए। अच्छी तरह से पका लीजिए आप उसे। उसके बाद आप उसमें कपड़ा भिगोइए, पट्टी भिगोइए आप, और उस पट्टी को जले हुए स्थान पर लगाइए। जले हुए स्थान ठीक हो जाता है और छाले भी नहीं पड़ते। दोस्तों, हमने आपको सज्जी खार के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है हमसे तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके माध्यम से आयुर्वेद को हर घर में पहुँचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदशाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेदशाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।